हाय गाइस, वेलकम टू मोटरब्रेन पर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा हैरियर और ये टाटा सफारी, दोनों जो फेस लिफ्टेड गाड़ी है ना, दोनों गाड़ी की एक साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और आपके लिए कौन सा वाला गाड़ी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वो भी बताएंगे। आपको टाटा हैरियर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या फिर टाटा सफारी आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके खरीद लेना चाहिए, वो सब कुछ बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे लेफ्ट साइड पे आप ये जो व्हाइट कलर के साथ गाड़ी देख रहे हो ये टाटा सफारी है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये आपको एडवेंचर प्लस वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है विदाउट एडास, दैट मींस एडवेंचर प्लस, नॉर्मल एडवेंचर प्लस है। लेकिन राइट साइड पे ये जो गाड़ी देख रहे हो टाटा हैरियर है, लेकिन टॉप वेरियंट, मतलब इससे ऊपर और कोई वेरियंट नहीं आता है। ये हमारे पास जो वेरिएंट है इसको कहा जाता है फेयरलेस प्लस डार्क एडिशन। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है, दोनों ही मैनुअल है, तो मैनुअल की साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, दोनों के अंदर ही आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए टाटा सफारी को देखेंगे तो टाटा सफारी की ये जो मिड वेरिएंट है, दैट मींस सेकंड टॉप वेरिएंट, और ये विदाउट एडास सिस्टम है। एडास सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ पे आपको कॉस्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एडास सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी की बात ध्यान में रखेंगे तो एडास सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। बट गाड़ी बहुत अच्छी लुकिंग के साथ एंड ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगा जो आपकी जरूरत की चीज है। आप यहाँ पे इसके लुक देखेंगे फ्रंट पे, वही रेगुलर जो नॉर्मल लुक। आप अगर फ्रंट से देखेंगे गाड़ी के लुक के अंदर कोई भी फ्रेंड्स वगैरह आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं यहां पे एडस ना होने की वजह से आपको एक फॉल्स डमी रडार का देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है, क्योंकि ये रडार के साथ साथ एडस सिस्टम जिस चीजों से काम करने वाला है ऊपर की तरफ वहां पे कैमरा मॉड्यूल होना चाहिए, जो चीज आपको नहीं मिलेगा। बस रेन सेंसिंग वाइपर की वजह से एक सेंसर ऑफर किया जाता है, बाकी कोई भी चीज आपको यहाँ पे एडिशनल नहीं मिलता है। यहाँ पे देखेंगे टाटा की जो लोगो है वही टिपिकल लोगो आएगा, कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज है, आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जाता है, जो आपको यहाँ पे प्लेस्ड देखने को मिलेगा सामने की तरफ। ग्रिल काफी शानदार डिजाइन के साथ आता है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको यहाँ पे जो हेडलैम्प यूनिट ऑफर किया जा रहा है काफी स्टाइलिश लुकिंग के साथ, सफारी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर आता है, ये बाईफंक्शनल आएगा, लो बीम हाई बीम दोनों ही यहाँ पे मिलेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉकलम भी ऑफर किया जाता है आइस क्यूब डिजाइन के साथ, बहुत सुंदर दिखाई देता है। एयर कर्टेन्स भी ऑफर किया जाता है, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी आएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, दो पार्किंग सेंसर आते हैं, चार होता तो और बेहतर हो सकता था। अगर आप टॉप वेरिएंट भी चूज करेंगे तो आपको दो पार्किंग सेंसर्स ही आएगा, इससे ज्यादा सेंसर फ्रंट पे नहीं दिया जाता है। गाड़ी की अगर ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे कनेक्टिंग डीआरएल ऑफर किया जा रहा है, ये डीआरएल आपको टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फंक्शनल है। यहाँ पे बोनेट देखेंगे तो काफी बड़ा बड़ा सा दिखेगा, क्योंकि काफी ऊंचा है, कैरेक्टर लाइंस भी ऑफर किया जाता है। साइड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल ऑफर किया जा रहा है ये एडवेंचर वेरिएंट है, दैट मींस यहाँ पे आपको 18 इंच के टायर प्रोफाइल ऑफर किया जाता है। टायर साइज 235/60R18 इंच का आएगा। इसकी जो पैटर्न वगैरह आएगा ये भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, मतलब एक डायमंड का डिजाइन आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाता है। और एक खास चीज है, आप इस वेरिएंट को भी चूज करेंगे ना, आपको पीछे जो ब्रेक ऑफर किया जाएगा वहां पे भी डिस्क आएगा, सामने भी डिस्क, पीछे भी डिस्क, दोनों तरफ ही डिस्क आएगा। सेफ्टी लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो सफारी की ब्रांडिंग भी ऑफर किया जाता है क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, ये भी काफी स्टाइलिश दिखाई देगा। ऊपर देखेंगे जो ओआरवीएम आएगा ये आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में, टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर प्लेस्ड है। यहाँ पे आपको कैमरा मॉड्यूल भी ऑफर किया जाता है, डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड ही आएगा, रिको सेंसर नहीं आता इस वेरियंट के साथ। टॉप वेरियंट के साथ आपको रिको सेंसर जरूर मिल जाएगा। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी क्लैडिंग का भरपूर यूज की जाती है, प्रॉपर एक एसयूवी है जिसकी वजह से आपको बॉडी क्लैडिंग 360 डिग्री मिलेगा। और पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे ना आपको दिखा देते, ऊपर की तरफ देखेंगे सफारी के साथ यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स ऑफर किया जाते हैं ये भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। हैरियर के मुकाबले ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बम्प थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है पीछे की तरफ, एंड इसकी जो रूफ है ना पीछे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एलिवेटेड है, क्योंकि अंदर स्पेस मैनेज करना होता है, क्योंकि थर्ड रो भी आता है इस गाड़ी के साथ। और पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो रूफ रेल्स आते हैं ये पूरा यहाँ पे कंटिन्यू होता है, एक साइड बीट की तरह दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको बाहर से मतलब आइडेंटिफाई करना काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि ये सफारी है। हैरियर के अंदर देखेंगे तो आपको ये चीज नहीं दिया जाता, आपको दिखा देते इधर आ जाइए। हमारे पास हैरियर का ये जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट है, तो इसकी प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसकी साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो रूफ रेल्स ऑफर किया जाता है कुछ इस तरह डिजाइन के साथ आपको रूफ रेल्स आएगा, काफी बेसिक सा आएगा, यहाँ पे कोई भी बम्प ज्यादा नहीं देखने को मिलता है एंड कोई भी यहाँ पे साइड बिट्स नहीं आता है, क्वार्टर ग्लास काफी छोटा सा देखने को मिलेगा एंड पीछे की जो डिजाइन लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टाटा सफारी। प्लेटफॉर्म वगैरह दोनों की सेम है, लेकिन इसकी लुक एंड पीछे की जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये गाड़ी 5 सीटिंग कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला है। पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको जो व्हील ऑफर किया जा रहा है कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है, ये भी काफी सुंदर दिखता है। ये कंपनी इसको बोल रहा है स्पाइडर व्हील, मतलब स्पाइडर अलॉय, जो ज्यादा
एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ डेफिनेटली आपको मिलेगा। हैरियर की जो ब्रांडिंग है सफारी के साथ आपने देखा था, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। डार्क एडिशन है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हैशटैग डार्क देखने को मिलेगा। सामने टायर प्रोफाइल देखेंगे तो ये जो टायर आएगा आपको 19 इंच का प्रोवाइड किया जाता है, सफारी के साथ भी 19 इंच आता है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, आपको बता देते हैं डिफरेंस कहाँ पे, क्योंकि अगर आप टाटा सफारी देखेंगे और ये टाटा हैरियर देखेंगे दोनों के अंदर ही 19 इंच प्रोवाइड किया जाता है टॉप वेरिएंट के साथ, लेकिन सफारी लेंगे सफारी का जो टॉप वेरिएंट आता है उसको अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट बोला जाता है। अगर आप अकॉम्प्लिश्ड के साथ जाएंगे तो वहां पे आपको 19 इंच अलॉयस स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप हैरियर देखेंगे तो ये हैरियर के साथ आपको 19 इंच सिर्फ डार्क एडिशन के साथ, और वो भी टॉप दो वेरिएंट के अंदर, दैट मींस एडवेंचर वेरिएंट और साथ ही साथ फियरलेस, ये जो दो वेरिएंट आते हैं वहां पे 19 इंच मिलेगा अगर आप डार्क लेंगे तो। अदरवाइज आप फियरलेस नॉर्मल लेंगे तो वहां पे आपको 18 इंच स्टैंडर्ड मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। जो कॉस्ट कटिंग है ना इस गाड़ी के साथ आपको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग देखने को मिलता है, और ये जो कॉस्ट कटिंग है ये रीजनल भी है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एडास सिस्टम नहीं आता है जिसकी वजह से आपको प्राइस काफी सेव हो जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम इंटीरियर पे काफी छोटी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। पीछे जेस्चर के साथ कोई भी टेलगेट ओपनिंग सिस्टम नहीं दिया जाता है जो आपको इस कार के साथ, दैट मीन्स टॉप वेरिएंट के साथ दिया जा रहा है। ये दो तीन डिफरेंस है जिसकी वजह से प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सफारी का ये जो वेरिएंट है मिड वेरिएंट एडवेंचर प्लस वेरिएंट, इसका अगर हम प्राइसिंग की बात करें 22,50,000 आपको एक शोरूम पड़ने वाला है। अगर आप ये टॉप वेरिएंट हैरियर का देखेंगे तो ये जो वेरिएंट है डार्क एडिशन के साथ आपको 25,04,000 रुपीज एक शोरूम पड़ने वाले, दोनों के अंदर लगभग आपको 2.5 लाख रुपीज के डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है आपको ये एडास सिस्टम, इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स, जेस्चर के साथ टेलगेट, ये सारी चीजों की वजह से डिफरेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सफारी का ये जो वेरिएंट है मिड वेरिएंट, इसी वेरिएंट को हैरियर के अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको लगभग 80,000 रुपीज सफारी की कंपैरिजन में कम पे करना होता है, तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है आपके लिए। चलिए इंटीरियर दिखा देते हैं। दोस्तों सफारी के ये जो एडवेंचर प्लस वेरिएंट है विदाउट एडास सिस्टम, यहाँ पे आपको इंटीरियर भी प्रीमियम ही ऑफर किया जाता है, बस कुछ कुछ चीजें मिसिंग है। मिसिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आप एक बार खुद चेक कर लीजिए, कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स आपको इस वेरिएंट के साथ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे हैंड लीवर सिस्टम ऑफर किया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बटन वगैरह नहीं ऑफर किया जाता है। ये डिफरेंस है जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग हो जाते हैं यहाँ पे, अच्छा खासा प्राइस के अंदर भी डिफरेंस है, तो इसीलिए ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह से उतना मतलब नहीं है तो आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। सीट देखेंगे तो लेदर के साथ ही आएगा, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगा। काफी अच्छा लुकिंग एंड ब्राउन कलर के साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपको स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जाता है काफी लाइट स्टीयरिंग व्हील है। अभी आपको टाटा सफारी और हैरियर के साथ जो स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है ये फोर स्पोक डिजाइन के साथ तो आता है, लेकिन ये वाला ना आपको हाइड्रोलिक नहीं आता है। पहले हाइड्रोलिक दिया जाता था, अभी ये आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ दिया जा रहा है जो बहुत ज्यादा लाइट और आपको डेफिनेटली फील करवाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको टाटा की इल्यूमिनेटेड लोगो प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स यूनिट आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स वगैरह आएगा। जी हाँ, इस वेरिएंट के साथ आपको क्रूज कंट्रोल्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और एक खास चीज, आपको यहाँ पे ना जो इंफोटेनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ये इंफोटेनमेंट साइज के अंदर डिफरेंस है जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हुआ है, स्टीयरिंग व्हील के अंदर कॉस्ट कटिंग नहीं हुआ है। जो कॉस्ट कटिंग मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 10.25 इंच का मिलेगा जो आपको टाटा नेक्सॉन से इंस्पायर्ड देखने को मिलता है, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर ऐसा ही इंफोटेनमेंट आता है टॉप वेरिएंट के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिड वेरिएंट के अंदर ये चीज दिया जाता है। टॉप वेरिएंट लेंगे तो आपको 12.25 इंच आएगा, ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही आ जाएगा। यहाँ पे टच रिस्पॉन्स वगैरह देखेंगे तो ये भी काफी बढ़िया ही देखने को मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल भी आने वाला है, आप देख लीजिए काफी बढ़िया। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मूड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, मूड लाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। देख लीजिए एक बार, देखेंगे तो आपको यहाँ पे ना एम्बिएंट लाइट का सेटअप ऑफर किया जाता है, और ये जो एम्बिएंट लाइट का सेटअप है आप अपने हिसाब से अपनी मूड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। कभी ब्लू कर देंगे, कभी आप ये येलो भी कर सकते हो, ऑरेंज भी कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे काफी सारा लाइट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसको भी कंपनी प्रमोट कर रहा है, ये काफी अच्छा फीचर है। मतलब बहुत सारा प्रीमियम कार के अंदर ऐसा फीचर दिया जाता है जो इस बार आपको टाटा सफारी हैरियर के अंदर स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। रियर पे जो कैमरा आता है, दैट मींस 360 डिग्री कैमरा आएगा, ये 360 डिग्री कैमरा कैसे काम करने वाला है उसके लिए डेडिकेटेड टच में बटन ऑफर किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह की रिजोल्यूशन आएगा, 3D में अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह की इंटरफेस भी प्रोवाइड किया जाता है, आप ये भी देख सकते हो। काफी बढ़िया सिस्टम है, 3D 2D दोनों ही आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब देख लीजिए गाड़ी का पूरा एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा, काफी बढ़िया है। गाड़ी व्हाइट कलर के साथ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ग्रे कलर के अंदर गाड़ी दिखाई देगा, एक एनिमेशन है। बेसिकली इसके रिस्पॉन्स वगैरह लेकर कोई भी दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगा। यहाँ पे जो मटेरियल का यूज किया जाता है ये भी काफी सही आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा
लेदर टच आपको यहाँ पे मिलेगा, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, वुडन ट्रीटमेंट, एसी वेंट्स, एयरबैग्स, 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिलेगा। ग्लोव बॉक्स भी काफी बढ़िया साइज के साथ, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको फील नहीं करवाएगा। इसकी जो MID आएगा, ये MID भी काफी बढ़िया ऑफर किया जाता है। एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा यहाँ पे दिखाने के लिए गाड़ी की। अगर आप ये वेरियंट चूज करेंगे तो भी आपको इसके अंदर जो MID प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट डिजिटल प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी एनालॉग स्टाइल नहीं है। हाँ, दिखने में एनालॉग टाइप दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पूरा जो स्क्रीन है ना कंप्लीटली आपको डिजिटल ही आएगा। मल्टीपल फंक्शंस वगैरह ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, गाड़ी की ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ सनरूफ ओपन करने के लिए स्विच एंड इसके साथ साथ रीडिंग लैंप आपको कंप्लीटली LEDs में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो काफी अच्छी फीचर है। एंड साथ ही साथ हमारे पास ये जो वेरियंट है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग और एक जगह पे हुआ है, पता है क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर टोटल 6 स्पीकर सिस्टम ऑफर किया जा रहा है। जब टॉप वेरिएंट के साथ जाएंगे तो आपको 10 स्पीकर सिस्टम आएगा, और सेफ्टी के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट के साथ 7 एयरबैग्स आते हैं, 1 एयरबैग यहाँ पे कम कर दी गई है। लेकिन आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होने वाला है, सीट काफी प्रीमियम है एंड इसके इंटीरियर की जो फील वगैरह वो भी काफी शानदार ऑफर किया जाता है। सेंटर कंसोल की तरफ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सेंटर कंसोल भी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑटो होल्ड की बटन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है। भाई इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होते हैं तो उस हिसाब से गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे टेरेन मोड भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टॉप वेरिएंट, क्योंकि ये डायल काफी छोटा सा मिलेगा। इसके अंदर आपको मोड सिलेक्टर भी ऑफर किया जा रहा है 45 वाट की, आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 45 वाट की आपको USB चार्जिंग भी ऑफर किया जा रहा है, टाइप सी आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपको फोन रखने की स्पेस, दैट मींस वायरलेस चार्जिंग भी गाड़ी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कूलिंग सिस्टम आपको यहाँ पे इसकी जो ग्लोव बॉक्स है यहाँ पे कूलिंग सिस्टम डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाता है। एंड साथ ही साथ कॉस्ट कटिंग जहाँ पे हुआ मैंने आपको बता दिया, एंड ये कॉस्ट कटिंग जो है ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली बन जाते हैं। चलिए पीछे की जो सीट है वहाँ पे क्या मिलता है दिखा देता है। सेकेंड रो सीटिंग कंफर्ट की बात करेंगे, गाड़ी एक प्रॉपर SUV, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नीरूम डिसेंट ना पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर की तरफ हेडरूम भी काफी शानदार ऑफर किया जाता है, देख लीजिए इस सफारी का जो रेयर पे जो ये स्पेस मैनेजमेंट है ये काफी बढ़िया है। इसके रूफ पीछे की तरफ स्लॉप डिजाइन में नहीं आता जो हैरियर के साथ मिलता है सफारी के अंदर, ये बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको खास चीज यहाँ पे लेदर का यूज मल्टीपल जगह पे की गई है, काफी बढ़िया लुकिंग के साथ ब्राउन कलर गाड़ी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जच रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको पावर विंडोज भी ऑफर किया जा रहा है, काफी शानदार है। लॉकिंग अनलॉकिंग लीवर देख सकते हो, नीचे स्पेस मैनेजमेंट लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, डिसेंट इनफ स्पेस है, स्पीकर आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड ऊपर की तरफ देखेंगे ना, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सन ब्लाइंड्स भी ऑफर किया जा रहा है रेयर पैसेंजर के लिए, जो ज्यादातर गाड़ी के अंदर आजकल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सफारी के अंदर एंड हैरियर के अंदर एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है तो आपको ये चीज डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला है। एंड इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से ये काफी सही चीज है। अगर आप टाटा हैरियर के टॉप वेरिएंट देखेंगे तो हमारे पास ये डार्क थीम में गाड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटीरियर कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट मिलेगा। किसी और कलर चूज करेंगे तो डिफरेंट कलर का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ब्लैक के साथ बेज कलर का ऑप्शन भी, आपको दूसरे कलर ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गाड़ी काफी कमाल की है, और ये टॉप वेरियंट के अंदर आपको जो चीज एडिशनल मिलेगा, आपको यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी ऑफर किया जा रहा है, साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स एंड 6-way एडजस्टमेंट के साथ आपको यहाँ पे सीट भी ऑफर किया जा रहा है, जो काफी अच्छा फीचर है। एंड ये फीचर की वजह से यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मिड वेरिएंट। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे और चेंजेस जहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम की साइज बड़ी है एज कम्पेयर टू मिड वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे 12.25 इंच का आएगा। इसके वेजल भी काफी नैरो देखने को मिलता है, टच रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टच रिस्पॉन्स के साथ मिलेगा। इसके अंदर भी आपको मूड लाइट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो काफी फंक्शनल है। यहाँ पे आप देख लीजिए खुद एक बार, मूड लाइट जो ऑफर किया जा रहा है कुछ यहाँ पे ब्लू एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे येलो एंड साथ ही साथ व्हाइट का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप ऐसा वेरिएंट चूज करेंगे टाटा हैरियर का। यहाँ पे देखेंगे मूड लाइट जैसे ब्लू में रखेंगे ना, डार्क ब्लू में कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, एंड ब्लैक के साथ बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रहा है। सेंटर कंसोल कंप्लीटली आपको यहाँ पे टच में ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, जो आपको उस कार के साथ नहीं दिया जाता है, सिंगल जोन ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आएगा, ये बेसिक डिफरेंस है। साथ ही साथ और एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा, जैसे आप यहाँ पे डायल देखेंगे ना, ये डायल की साइज थोड़ा सा बड़ी है एंड ज्यादा प्रीमियम भी ये दिखाई देता है। टेरेन मोड आता है, दोनों के अंदर सेम टेरेन मोड सिस्टम आता है, लेकिन ये ज्यादा प्रीमियम को फील होने वाला है। गाड़ी की हिल डिसेंट कंट्रोल भी ऑफर किया जा रहा है, वहां पे हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं आता है, सिर्फ हिल होल्ड कंट्रोल ऑफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल दोनों ही आ जाएगा। पार्किंग ब्रेक आपको इलेक्ट्रॉनिक आएगा, ऑटो होल्ड की बटन भी आएगा, पीछे स्पेस काफी बढ़िया है, सीट वेंटिलेशन के साथ आएगा, ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM आएगा, यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैंप वगैरह LEDs में प्रोवाइड किया जाएगा, SOS की बटन डेडिकेटेडली आपको यहाँ पे मिलता है, वहां पे आपको ये चीज नहीं प्रोवाइड
प्रोवाइड किया जाता है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। ट्विटर आपको यहाँ पे काफी सारा देखने को मिलता है, एंड गाड़ी के साथ आपको टोटल 10 स्पीकर सिस्टम आता है। अगर आप सफारी का टॉप वेरियंट भी लेंगे तो आपको 10 स्पीकर सिस्टम आएगा एक सब ऊपर के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको मिड वेरियंट के साथ 6 स्पीकर सिस्टम आता है जिसके अंदर 4 स्पीकर होते हैं, 2 ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील के अंदर कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं है, एक्जैक्टली सिमिलर स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है दोनों के अंदर। कंफर्ट लेकर आपको दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ पे एडिशनल फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है जो आपको वहां पे नहीं मिलते। चलिए फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी की फाइनल कंक्लूजन की, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कौन सा वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको अभी दिखाया ये टाटा सफारी का जो वेरिएंट था, ये एडवेंचर प्लस था विदाउट एडास सिस्टम, लेकिन यहाँ पे सनरूफ आता है मैंडेटरी। आपको सेकंड टॉप भी लेंगे तो आपको सनरूफ स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने टाटा सफारी हैरियर दिखाया, और ये टाटा हैरियर का जो वेरिएंट था ये डार्क एडिशन था, और ये फ्यूलेस प्लस था, दैट मीन्स टॉप वेरिएंट था, मैनुअल ट्रांसमिशन था। इसकी प्राइसिंग आपको 25,04,000 एक शोरूम पड़ेगा। अगर आप सफारी की ये मिड वेरियंट देखेंगे तो इसकी जो प्राइसिंग वगैरह पड़ने वाला है 22,50,000 एक शोरूम पड़ेगा। तो 2.5 लाख रुपया के अंदर डिफरेंस है, लेकिन ये सफारी था, ये हैरियर था। लेकिन अगर इसी वेरिएंट का अगर आप हैरियर के साथ जाएंगे तो आपको 80,000 रुपीज और कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सफारी चूज करेंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। 80,000 रुपीज और बाइंग होता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड रो ऑफर किया जाता है जो आपको हैरियर के साथ नहीं मिलता है, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर कम है तो आप हैरियर के साथ भी जा सकते हो। ये भी काफी अच्छा ही गाड़ी है। ये हमारे पास डार्क एडिशन था, डार्क एडिशन कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा सफोकेशन फील हो सकता है, तो आप ये वेरियंट छोड़ ये कलर छोड़ के किसी और कलर भी चूज कर सकते हो। उसके लिए भी काफी सारे कलर ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड कर रहे हैं, और हैरियर के साथ रिसेंटली आपको येलो कलर का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है जो सिर्फ हैरियर के साथ फर्स्ट टाइम टाटा कंपनी इंट्रोड्यूस किया है। सफारी के साथ भी एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया है जो कॉपर कलर, या फिर आप उस कलर को गोल्ड कलर भी बोल सकते हो क्योंकि कंपनी इसको गोल्ड कलर भी बोल रहे हैं। जो नया कलर आया है वो भी काफी स्टैंडर्ड दिखाई देता है, एंड गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। अगर आप मिड वेरिएंट चूज करेंगे तो मेरे हिसाब से सफारी का ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जिस शोरूम से इस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए प्रोवाइड किए हैं ये शोरूम था टीसी टाटा मोटर्स, जो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता जस्ट वेस्टर्न एंट्रेंस गेट ऑफ कोलकाता की बिसाइड में ऑफर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो इसकी प्रॉपर गूगल मैप लिंक एंड एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, एंड जय हिंद।